गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। पिछली क्लास में हम हिंदी में प्रायश्चित पढ़ रहे थे। आइए देखते हैं प्रायश्चित का आगे का भाग। सास बोली, हाँ ठीक तो कहती हो, अब जब तक बहू के सिर पर से हत्या न उतर जाए तब तक न कोई पानी पी सकता है न खाना खा सकता है। बहू तूने ये क्या कर डाला? महरी ने कहा, फिर क्या हो, कहते हो तो पंडित जी को बुला लाऊं। सास जी की जान में जान आई। अरे हाँ जल्दी दौड़कर पंडित जी को बुला लो। बिल्ली की हत्या की खबर बिजली की तरह पास पड़ोस में फैल गई। पड़ोस की औरतों का रामू के घर तांता बंद गया। चारों तरफ से प्रश्नों की बौछार और रामू की बहू सिर झुकाए बैठी है। पंडित परम सुख को जब यह खबर मिली उस समय वे पूजा कर रहे थे। खबर मिलते ही वे उठ खड़े हुए। पंडिताइन से मुस्कुराते हुए बोले, भोजन न बनाना, लाला घासी राम की पतोहू ने बिल्ली मार डाली, प्रायश्चित होगा, पकवानों पर हाथ लगेंगे। पंडित परम सुख चौबे छोटे से मोटे से आदमी थे। लंबाई 4 फीट 10 इंच और तोंद का घेरा 58 इंच। चेहरा गोल मटोल, बड़ी बड़ी मूछें, रंग गोरा, गोखरी छोटी कमर तक लटकी हुई। कहा जाता है मथुरा में जब पनसेरी खुराक वाले पंडित को ढूंढा जाता था तो पंडित परम सुख को उस लिस्ट में प्रथम स्थान दिया जाता था। पंडित परम सुख पहुँचे और कोरम पूरा हुआ। पंचायत बैठी। सास जी, मिश्रानी जी, किस्नो की माँ, छुन्नो की दादी और पंडित परम सुख, बाकी स्त्रियाँ बहू से सहानुभूति प्रकट कर रही थी। किस्नो की माँ ने कहा, पंडित जी बिल्ली की हत्या करने से कौन सा नरक मिलता है? पंडित परम सुख ने पत्रा देखते हुए कहा, बिल्ली की हत्या अकेले से तो नरक का नाम ही नहीं बताया जा सकता, वह मुहूर्त भी मालूम हो जब बिल्ली की हत्या हुई तो नरक का पता लग सकता है। यह कोई 7 बजे सुबह, मिश्रानी ने कहा। पंडित परम सुख ने पत्रा के पन्ने उल्टे, अक्षरों पर उंगलियाँ चलाईं, माथे पर हाथ लगाया और कुछ सोचा। चेहरे पर धुंधलापन आया, माथे पर बल पड़े, नाक सिकोड़ी और स्वर गंभीर हो गया। हरे कृष्णा, बड़ा बुरा हुआ, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में बिल्ली की हत्या, घोर कुंभे पाक, नरक का पाप है रामू की माँ, यह तो बड़ा बुरा हुआ। रामू की माँ की आंखों में आंसू आ गए। तो फिर पंडित जी अब क्या होगा, आप ही बतलाएं। पंडित परम सुख मुस्कान, रामू की माँ चिंता की कौन सी बात है, हम पुरोहित फिर से कौन से दिन के लिए हैं, शास्त्रों में प्रायश्चित का विधान है, प्रायश्चित से सब कुछ ठीक हो जाएगा। रामू की माँ ने कहा, पंडित जी इसलिए तो आपको बुलवाया था, अब आगे बताओ क्या किया जाए। क्या किया जाए, यही कि एक सोने की बिल्ली बनवाकर बहू से दान करवा दी जाए। जब तक बिल्ली न दे दी जाएगी तब तक तो घर अपवित्र रहेगा। बिल्ली दान कर देने के बाद 21 दिन का पाठ हो जाए। रामू की माँ ने कहा, तो पंडित जी कितने तोले की बिल्ली बनवाई जाए। पंडित परम सुख जी मुस्कराए, अपनी तोंद पर हाथ फेरते हुए उन्होंने कहा, बिल्ली कितने तोले की बनवाई जाए। अरे रामू की माँ, शास्त्रों में तो लिखा है कि बिल्ली के वजन पर सोने की बिल्ली बनवाई जाए, लेकिन अब कलयुग आ गया है, धर्म कर्म का नाश हो गया है, श्रद्धा नहीं रही, सो रामू की माँ बिल्ली को तोल भर की बिल्ली तो क्या बनेगी, क्योंकि बिल्ली 20-21 शेर से कम क्या होगी। हाँ कम से कम 21 तोले की बिल्ली बनवा कर दान कर दो और आगे आपकी श्रद्धा। धन्यवाद।